अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू द लेक्चर ऑफ द टॉपिक ऑफ हज. दिस इज़ योर टॉपिक ऑफ द मंथ ऑफ मार्च. हज इज़ द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम. एज यू ऑल नो, योर बिल्डिंग ऑफ फेथ इज़ डिपेंडेंट ऑन द पिलर्स ऑफ इस्लाम. वंस यू परफॉर्म द ऑल द पिलर्स ऑफ इस्लाम, योर फेथ इज़ गेटिंग मोर पावरफुल एंड द पावरफुल. हज is the more important pillar of Islam because you have given the chance, Allah is providing the chance to maintain your relation with the Allah, or you can empower your relation with the Allah. You can in the contact with the Allah. Aap Allah ke ghar mein jaane ka aapko mauka milta hai. You go to the place of that place jahan pe aapko itni sari opportunities mil rahi hai. This is the most blessing, a powerful blessing of the Allah. Ye Allah ne aapko bounty di hai ki aap haj perform karte hain. और इसकी बहुत सारी सोशल सिग्निफिकेंस हैं, बहुत सारी रिलीजियस सिग्निफिकेंस हैं. सबसे बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक ऐसी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है व्हेन वेयर यू पोर्ट्रे योर यूनिटी, योर स्ट्रेंथ, योर मुस्लिम यूनिटी, योर इक्वालिटी. आप एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आप इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम यूनिटी शो करते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस. द पीपल हु बिलोंग्स टू द अदर कंट्रीज, द पीपल हु बिलोंग्स टू द अदर नेशंस, द पीपल हु गॉट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट अटायर, दे ऑल आर सेम इन दैट प्लेटफॉर्म विच आई एम टॉकिंग अबाउट, द हज. सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस. And the second thing is Allah is giving you the chance to portray how you are a good Muslim. Are you getting it? आप कितने अच्छे मुसलमान हैं, आप कितने कनेक्टेड हैं अल्लाह ताला से, या आपको वहाँ जाके अल्लाह के साथ एक रिलेशन बनाने का इस मौका मिलता है. वो रिलेशन जो दुनिया की बहुत सारी हिंड्रेंस में कहीं ब्रेक होने लगा है, कहीं कमज़ोर होने लगा है, तो अल्लाह आपको ये चांस देता है. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. लेट सपोज इफ़ यू आर इन रिलेशन विद समवन, योर मदर, योर फादर, योर समवन एल्स रिलेटिव, और योर पेरेंट्स, और एनीथिंग एल्स. अगर आपका रिलेशन उनसे कहीं भी ख़राब होने लगा है, थोड़ा वीक होने लगा है, सो इट्स बेटर टू रीबाउंड दैट रिलेशन. हाउ? या तो आप उसको टेक्स्ट मैसेज करके अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है और ज़्यादा बेटर क्या है कि आप उसके घर में जाके उसको मना लेते हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अल्लाह इज़ प्रोवाइडिंग यू अ चांस टू गो देयर एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द ऑलमाइटी अल्लाह. So let's start with the first point, the types of the Hajj. We are going to start about the first topic, types of Hajj. There are three types of Hajj: Hajj-e-Ifrad, Hajj-e-Qiran, and Hajj-e-Tamattu. I repeat, Hajj-e-Ifrad, Hajj-e-Qiran, and Hajj-e-Tamattu. So start with Hajj-e-Ifrad. The performance is about the Hajj only. You cannot perform Umrah, you cannot perform any other worship, you can only perform Hajj in Hajj-e-Ifrad. You cannot remove your Ihram. Once you wore the Ihram, you go to that place, you perform Hajj and went back to your home. Iska matlab ye hua ki is performance mein, Hajj-e-Ifrad mein, अहराम पहनने के बाद आप सिर्फ हज कर सकते हैं, उम्रा अदा नहीं कर सकते. ओनली वन परफॉर्मेंस इज कॉल्ड हज इफ़्राद. नाउ व्हेन कम्स टू हज किरान, यू कैन परफॉर्म हज एंड उम्रा एट द सेम टाइम. एट द सेम टाइम मीन्स इन सेम अहराम, बट यू कैन नॉट रिमूव योर अहराम. आर यू गेटिंग इट? बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक अहराम पहनने के बाद हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं. अल्लाह इज़ गिविंग यू अ चांस टू गो अर्लियर बिफोर द डेज ऑफ द हज एंड परफॉर्म उम्रा, और स्टे आफ्टर द अयामुल तशरीक 13-14 ज़िलहज एंड परफॉर्म उम्रा, बट यू कैन नॉट रिमूव अहराम. अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है इन दैट पार्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ हज, वो ये है कि देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अहराम. अहराम की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं विच यू नीड टू फॉलो, और वो थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं. सो यहाँ पर ये डिफ़िकल्टी हो जाती है कि हम अहराम रिमूव नहीं कर सकते जब तक हम उस कंडीशन में, हमें वी नीड टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस, और फिर हमें हज अदा करना है. वी हैव टू स्टे टिल द अयामुल तशरीक 13 एंड 14 ज़िलहज एंड देन परफॉर्म उम्रा.
सो इसका मतलब ये हो कि जब तक हमें अहराम पहने रहना, तो दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दैट हज. सो ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं, दोज आर द सिटीजन्स, जो वहाँ के नेटिव्स हैं वो वहाँ ज़्यादातर ये हज वो परफॉर्म करते हैं. नाउ इट कम्स टू द थर्ड पार्ट, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट एंड द मोस्ट परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ द हज, हज्जे तमत्तु. आई रिपीट, दिस इज हज्जे तमत्तु. यू कैन परफॉर्म हज इन दिस टाइप ऑफ हज, यू कैन परफॉर्म उमरा एंड यू कैन रिमूव योर अहराम एज वेल. यू परफॉर्म योर हज, आप हज परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आप अय्यामुल तशरीक तक 13, 14, 12, 13 और 14 ज़िलहज तक स्टे करते हैं, फिर अपना अहराम रिमूव करते हैं. यू कैन गो टू द ज़ियारत, यू कैन गो टू द अदर प्लेसेस, जो कुछ आपने करना है, और उसके बाद फिर आप अपना तवाफुल विदा के बाद, उमरा परफॉर्म करने के बाद, लाइक उमरा परफॉर्म करने से पहले दोबारा से अहराम पहनते हैं और फिर उमरा अदा कर सकते हैं. सो ये वो हज है तो ज़्यादातर लोग अदा करते हैं. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ हज इज़ अपना जो ज़बीहा का जानवर है, यू कैन बाय, यू कैन परचेज दैट एनिमल फ्रॉम दैट प्लेस, और वो वहीं पर ज़बा करना होता है, उसका जो दम देना होता है. तो ये बहुत सारी आसानियों के साथ ये हज तमत्तु बिलोंग करता है. नाउ this is the time to about the question. The question comes in your past papers from your CIs about the types of hajj. Remember one thing guys, when the question comes what type of hajj, so you need to describe all the types of hajj with the relative references of the Quran, with the relative references of the hadith, and when it comes to write about the types of hajj, must write each and every part about that type, because if you miss some part means you miss some marks as well. So question is about write the types of hajj with benefits. Okay, I'll attach my the question material with the with your videos benefits. So the important thing is ki aapko, you need to understand the demand of the question. Again, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये समझना है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है. आपको ये समझना पड़ेगा कि what examiner wants you to write. Like you need to describe the types of the hajj as well as the benefits of the hajj. आपको समझ आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने पार्ट में हज इफ़राद, हज किरान, हज तमत्तु इन डिफरेंट पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद बेनिफिट्स बताने हैं, द सोशल बेनिफिट्स एंड द रिलीजियस बेनिफिट्स एज वेल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेकेंड थिंग, स्टार्ट द अदर टॉपिक इज मीकात. नाउ व्हाट इज मीकात? मीकात का मतलब ये है द बाउंड्री from which you need to wear ihram, before the boundary it's called miqat. Miqat wo boundary hai hijaz ki, makkah ki wo boundary hai jisse pehle aapko ihram pehen ke rakhna hai, wo miqat kehlati hai. ye kuch miles hain jo haram se thode se faasle par hain, us boundary se pehle aap pe ihram ki shartein lagu ho jati hain, aapki ihram ki shartein wajib ho jati hain aur aapko apna ihram pehen ke rakhna padta hai, ye miqat kehlata hai. फिर उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द तवाफुल ज़ियारा. तवाफुल ज़ियारा मीन्स यू कैन से द वेलकम तवाफ, इट्स कॉल्ड तवाफुल ज़ियारा. व्हेन यू गो टू द मक्का, तो वहां पर जाने के बाद जो बैतुल्ला को देखकर आप पहला तवाफ करते हैं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेथड ऑफ द हज, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द डेज ऑफ द हज, बट जो पहला तवाफ करते हैं वो तवाफुल ज़ियारा कहलाता है, जो एक वेलकम तवाफ है. जब आप किसी के घर में जाते हैं, डोर बेल बजाते हैं, उसको अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, इसका मतलब है कि आप हाजिर हैं. तो जो पहला तवाफ है जहां पर तलबिया आप पढ़ना शुरू करते हैं, ये तवाफुल ज़ियारा कहलाता है, ये तवाफ है. उसके बाद द मेथड ऑफ द हज स्टार्ट डे वन, डे टू, डे थ्री, वो उसकी अलग अलग परफॉर्मेंसेस हैं, वो एक अलग पार्ट है, और वो फिर हम आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें करके बताएंगे कि वो आपके साथ उस, वो एक अलग पूरा टॉपिक है मेथड ऑफ हज का. डे वन, डे टू, डे थ्री, वो फिर इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. तो आज के लिए आपका इतना था, ये हज, इसकी टाइप्स ऑफ हज, ये आपका लेक्चर ख़त्म होता है.